अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान किरमानी है। मैं चेयरपर्सन हूँ डिवीजन ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची। मैं जेनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का बोर्ड मेंबर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा जाफरी है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डाउन सिंड्रोम के हवाले से, जो COVID-19 का पेंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, उस सिलसिले में कुछ सवाल जो कि वालदैन और केयर गिवर्स जो कि डाउन सिंड्रोम के अफराद के हैं, उनको आज हम एड्रेस करेंगे। ये देखा जा रहा है और रिसर्च से साबित है कि डाउन सिंड्रोम इटसेल्फ जो है कोरोना का इन्फेक्शन का बायस नहीं बनता, या वो लोग जो है हाई रिस्क पे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे या वो अफराद जिनको दिल के मसले मसाइल हैं, जिनकी सर्जरीज नहीं हुई हैं, या जिनको फेफड़ों का मसला है, या ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उनकी कुव्वत मुदाफ़त मुतासर है, उनको कोरोना से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस ज़्यादा हैं। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो कम है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का चांस जो है बढ़ जाता है। देखिए, इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर अफराद जिनको शायद डाउन सिंड्रोम हो या डाउन सिंड्रोम ना हो, वो इस इन्फेक्शन से खुद ब खुद घर पे ही रिकवर कर जाएंगे। आम जो नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, उसी तरह के सिम्टम्स होंगे जो कि आम दवाओं जिस तरह पैनाडोल हो गई बुखार के लिए, दर्द के लिए, उसके इस्तेमाल से ये लोग खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। जो रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 10-15% या 20% ऐसे शायद अफराद हों जिनको जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो। जब ऐसी चीज़ हो तो फिर ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर अस्पताल आना चाहिए, वहाँ पर शायद ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़े या फिर कोई और तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़े। लेकिन उसी वक्त अस्पताल लाइए जब सांस की तकलीफ़ हो, वरना ये कि घर पर बहुत आसानी से इस ये इन्फेक्शन मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर्स के साथ आपका कॉन्टैक्ट ज़रूरी है ताकि आपको एडवाइस मिलती रहे, और जैसे ही आपको पता चले कि तबीयत सही नहीं है तो उस वक्त पर डॉक्टर से रिव्यू किया जाए। इसका जवाब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। ऐसी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं, जैसे कि वर्जिश है या बाहर जाना है, या जो है अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा, या टाइम पे सोना और इन सारे रूटीन्स को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करती हैं। इससे कुव्वत मुदाफ़ियत से ज़्यादा ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। कोई स्पेसिफिक दवाएं या सप्लीमेंट्स नहीं हैं जिनसे कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके। देखिए, सवाल का जवाब ये है कि अगर ज़रूरत हो, जिस तरह वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वो और आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो कि बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है, उसके लिए अस्पताल या क्लिनिक जाना बिल्कुल मौजू है और ज़रूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आप घर में मैनेज नहीं कर सकते, जो कि डॉक्टर का देखना ज़रूरी है, उसके लिए भी आना ज़रूरी है। कुछ ख़ास ऐसे टेस्ट जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के रूटीन में होते हैं, जिनके लिए वेट नहीं किया जा सकता, जिस तरह दिल का एको हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उनके लिए ज़रूर अस्पताल आना ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर्स के ऐसे विज़िट हैं जो कि रूटीन के विज़िट होते हैं, जो कि साल में एक दफ़ा होते हैं या 6 महीने में एक दफ़ा होते हैं, उनका आप लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि टेली हेल्थ या वीडियो क्लिनिक्स के ज़रिए वो कर लें। बहुत से अस्पताल, जिस तरह आगा खान अस्पताल में हमने डाउन सिंड्रोम क्लिनिक के लिए शुरू किया है कि तमाम विज़िट जो हैं वो टेली क्लिनिक के ज़रिए हो रहे हैं, वो सेफ़ भी हैं और बहुत जो है वालदैन के लिए, फैमिली के लिए बहुत कन्वीनियंट भी है, तो वो कीजिए। तो इसका जवाब ये है कि जिस इंसान को कोरोना इन्फेक्शन हो गया, उसको आइसोलेट करना चाहिए। तो उसको एक अलग कमरे में रखना चाहिए, उसका बाथरूम का यूज़ अलग होना चाहिए और बर्तन भी अलग होने चाहिए। बाकी अफराद जो घर में हैं, वो भी ख्याल रखें इस बात का कि बहुत सारे लोग जमा ना हों, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिसे 6 फुट का फासला है, और अगर वो ऐसे इंसान को हैंडल कर रहे हैं जिसको कोरोना इन्फेक्शन है, तो मास्क और PPEs का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि हाथों को धोना या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है अच्छा रखना चाहिए। हाथों को धोना कब कब धोएं, स्पेशली जब हाथ सॉइल्ड हो जाएं या मैले हो जाएं, या बाथरूम का दरवाज़ा या घर के मुख्तलिफ दरवाज़ों को छूएं, या ऐसी जगह जहाँ पर आम अफराद होते हैं उनको छूने वाली जगहों के बाद हाथ हमेशा धोएं।
हाथ 20 सेकंड्स तक के लिए धोना चाहिए और मुख्तलिफ हाथ के मुख्तलिफ हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता से पूरा कवर करना चाहिए। कुछ ऐसे मवाके आते हैं जब साबुन, जैसे हम बाहर हैं और हम साबुन से नहीं धो सकते, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली 60%, ताकि जो है जरासीम ख़त्म हो सके। छोटे बच्चे जो हैं उनको समझाना कि मास्क का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत मुश्किल है, उसके लिए कर ये सकते हैं कि उनके बाहर जाने को लिमिट कर सकें, कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उनके लिए बाहर जाएं। मास्क जो है कि ग्रेजुअल आदत बनाएं, जैसे कि अगर बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए पहन लेता है कोई बात नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसकी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ती जाएगी। हम ये भी देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम में बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और भी स्पेशल नीड्स में ऐसा होता है, तो उन बच्चों को आप मास्क को पहनाने को एक गेम की तरह कर सकते हैं, ताकि बच्चे को खेल खेल में वो मास्क पहनने की आदत बना लें। तो इस तरह से कर सकते हैं कि मास्क मुख्तलिफ डिज़ाइन वाले उनको ऑफर करें जिनमें से वो चूज़ कर सकें। फिर ये कि फर्स्ट दिस एंड देन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, कि फर्स्ट अगर आप उनसे कहें कि बाहर जाना है या कहीं कोई ऐसा काम करना है जिसमें मास्क पहनने की ज़रूरत हो, तो आप उनसे कहें बेटा आप मास्क पहन लीजिए और फिर आप देन में उनकी कोई पसंदीदा एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं, ताकि उनको ये लगे कि ये तो एक फन एक्टिविटी है एंड दैट कैन बी डन टुगेदर। हाथ धोना जो है बहुत ज़रूरी है इस कोविड के दौरान, वैसे तो हमेशा ही ज़रूरी होता है लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। 20 सेकेंड रूल है, यानी कि 20 सेकेंड तक धोना है, सारे हाथ के मुख्तलिफ हिस्सों की सफाई करनी है और जो है कोशिश करनी है कि बार बार किया जाए ताकि सारे जरासीम जो है ख़त्म हो जाए। और ये हर उस वक्त करना चाहिए जब आप किसी भी सरफेस को टच कर रहे हो, कहीं बाहर से होकर आ रहे हो, बाथरूम से निकल के आ रहे हो, खाने से पहले कीजिए ताकि आप कोरोना से महफूज रह सकें। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर सित्रा, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रहा कि आपने इतने सवालात के जवाबात दिए वालदेन के, और जो है निचोड़ यही है कि हमें बहुत ख्याल रखना है अपने डाउन सिंड्रोम के बच्चों का, डाउन सिंड्रोम के अफराद का, और हमें ख़ास तौर पे जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी दिल या फेफड़ों के मसले हैं उनको बहुत ज़्यादा इस इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर इन सब चीज़ों का ख्याल किया गया तो इंशाल्लाह हम सब और ये ख़ास तौर पे हमारे डाउन सिंड्रोम के अफराद इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। शुक्रिया।